है गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश एडिट्स। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की वायरल रील एडिटिंग जो इंस्टाग्राम में बहुत ही वायरल हो रही है। तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि कुछ इस तरह की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और आप भी अपने रील को वायरल करा सकते हो। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इस एडिटिंग में जो भी मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इजिली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपनी इस अमेजिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से खुलेगा। तो सबसे पहले आपको नीचे प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फोटो में चले जाना है। फोटो में जाने के बाद आपको ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसको ले लेना है और उसके बाद सिंपली एरो पर क्लिक कर देना है। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल वाला इसका साइज़ है इसको हमें यहाँ से कर देना है 9:16 का रेशो, इस रेशो में आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो लास्ट में वाइट ब्लैक बैकग्राउंड है इसको क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ से प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके आपको फोटो पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो यहाँ से इसको फोटो को चूज़ करने के बाद एरो पर क्लिक कर देना, आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा काम है यहाँ से म्यूज़िक ऐड करना, तो म्यूज़िक वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको म्यूज़िक पे क्लिक करना है। म्यूज़िक में क्लिक करने के बाद ये जो वाला म्यूज़िक है इसको हमें यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो सिंपली यहाँ पर हम म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पर एक बीट लगाएंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला बीट है यहाँ पर हम इसको यहाँ पर प्ले करके देख लेना गाइज, आपको जहाँ पर बीट चाहिए वहाँ पर आप इसको लगा लेना। तो सिंपली आपको यहाँ पर 5.22 पे यहाँ पर एक बीट लगाना है, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको आपका म्यूज़िक आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको आपके फ़ोटो को यहाँ से बड़ा करके रख लेना है और यहाँ से आपको बीट के यहाँ पर यहाँ तक आपको 5.22 तक आपको इस बैकग्राउंड को ले कर रखना है। तो यहाँ से आपको इसको स्क्रॉल करके ऐसे लंबा इसको खींच कर यहाँ पर आपको बीट के आखिरी तक यहाँ पर रखना है। इतना रखने के बाद आपको सबसे पहले ये वाइट कलर का जो बैकग्राउंड है इसमें यहाँ पर आपको एफएक्स लगाना है। तो एफएक्स लगाने के लिए एफएक्स में क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर ब्लैक में चले जाना। ब्लैक में जाने के बाद इसको यहाँ से खींचकर जो जितना भी हो सके उतना आप इसको खींचकर रख लेना। तो इतना हो रहा है, उसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे बैकग्राउंड में आधा ही हुआ है, तो पूरा हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जितने में हुआ है वहाँ पर रख के इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद आपके पास दो बैकग्राउंड हो जाएंगे वाइट कलर के। तो अब आपको फिर से FX में जाना है, FX में जाने के बाद आपको फिर से ब्लैक लेना है और इसको पूरे बैकग्राउंड में ऐसे लगा लेना है, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। तो डन पे क्लिक करने के बाद ये हाँ देख सकते हो हमारे लग चुका है। तो ये लग चुका है, अब यहाँ पर हमारा जो बीट है बीट के यहाँ पर आपको फ़ोटो पे रखना है, मतलब फ़ोटो पे क्लिक करना है। फोटो में क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर FX में क्लिक करना है। FX में क्लिक करने बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे FX आ जाएंगे, तो आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हो। मैं यहाँ पर जीटल वाला रख रहा हूँ जीटल, तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके रख लेना। इतना करने के बाद डन पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ से इसको प्ले करके देख लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ हमारा जो वीडियो है कैसा बना है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है कम्प्लीटली एडिट हो चुका है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर फोटो है उसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फोटो है उसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमारा जो वीडियो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है ऊपर में। एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको जो भी रेजोल्यूशन है बढ़ा सकते हो, उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना है, आपका फोटो आपकी गैलरी में यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस ये वाला एडिटिंग आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो चैनल करना सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।